नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है उबलता पानी और मेंढक। एक बार वैज्ञानिकों ने शारीरिक बदलाव की क्षमता की जांच के लिए एक शोध किया। शोध में एक मेंढक लिया गया और उसे कांच के जार में डाल दिया गया, फिर जार में पानी भरकर उसे गर्म किया जाने लगा। जार में ढक्कन नहीं लगाया गया था ताकि जब पानी का ताप गर्म हो, मेंढक की सहन शक्ति से बाहर हो जाए तो वह कूद कर बाहर आ सके। प्रारंभ में मेंढक शांति से पानी में बैठा रहा। जैसे पानी का तापमान बढ़ना प्रारंभ हुआ, मेंढक में कुछ हलचल सी हुई। उसे समझ में तो आ गया कि वह जिस पानी में बैठा है वो हल्का गर्म सा लग रहा है, लेकिन कूद कर बाहर निकलने के स्थान पर वो अपनी शरीर की ऊर्जा बढ़े हुए तापमान से तालमेल बिठाने में लगा रहा। पानी थोड़ा और गर्म हुआ, मेंढक को पहले से अधिक बेचैनी महसूस हुई, लेकिन वह बेचैनी उसकी सहन शक्ति की सीमा के भीतर ही थी, इसलिए वह पानी से बाहर नहीं कूदा, बल्कि अपने शरीर की ऊर्जा उस गर्म पानी में तालमेल बिठाने में लगा रहा। धीरे धीरे पानी और गर्म होता गया और मेंढक अपने शरीर की अधिक ऊर्जा पानी के बढ़े हुए तापमान से तालमेल बिठाने में लगाता रहा। जब पानी उबलने लगा तो मेंढक की जान पर बन आई। अब उसकी सहन शक्ति जवाब दे चुकी थी। उसने जार से बाहर कूदने के लिए अपने शरीर की शक्ति बटोरी, लेकिन वह पहले ही शरीर की समस्त ऊर्जा धीरे धीरे उबलते पानी से तालमेल बिठाने में लगा चुका था। अब उसके शरीर में जार से बाहर कूदने की ऊर्जा शेष नहीं थी। वह जार से बाहर कूदने में नाकाम रहा और उसी जार में मर गया। यदि समय रहते उसने अपने शरीर की ऊर्जा का प्रयोग जार से बाहर कूदने में किया होता तो वह जीवित। सीख दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। अक्सर परिस्थितियां विपरीत होने पर हम उसे सुधारने या उससे बाहर निकलने का प्रयास न करके उसे तालमेल बिठाने में लग जाते हैं। हमारी आंख तब खुलती है जब परिस्थितियां बेकाबू हो जाती हैं और हम पछताते रह जाते हैं कि समय रहते हमने कोई प्रयास क्यों नहीं किया। इसलिए प्रारंभिक अनुभव होते ही परिस्थितियां सुधारने की कार्यवाही प्रारंभ कर दें और जब समझ आ जाए कि इन्हें संभालना मुश्किल है तो उससे बाहर निकल जाए। परिस्थितियों से डरना आवश्यक है, लेकिन समय रहते उससे बाहर निकल जाना बुद्धिमानी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।